हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरे खान की दुनिया। देखो, आज मेरी गोदी में है बेबी। वो अभी मेरी गोदी में, तो मैंने कहा चलो मैं इसी के साथ ओपनिंग ले लेती हूँ। तो पीछे से कुछ ऐसा है ये तो अभी हम देखते हैं, कुछ सीन पार्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। मेरे नहीं, खाना खाना ट्रे लेके चले जाओ तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल, ठीक है? तो अभी हम इसका सीन पार्ट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो हमने जो रेडी किया ना, वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो लेट्स गो। ओके, तो अभी हम बनाने लगे हैं कॉफ़ी। मैंने मग में डाली ही है कॉफ़ी और इसको मैं फेंट फेंट के थक गई हूँ। पहले मैं स्टील के चम्मच से इसको फेंट, इससे ये सीन हुआ कि शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था, फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया। और एक वो मेरा मग पड़ा है, तो यार ट्रस्ट मी, अगर आपके पास कॉफ़ी बीटर है तो यू आर लकीस्ट पर्सन, क्योंकि उसके साथ जो कॉफ़ी बीट होती है ना, उसका मज़ा ही अलग है। तो खैर, अभी इसको बीट करते हैं। और कॉफ़ी मेन के लिए ना, मेनली जो आपके पास होनी चाहिए वो आपके पास है कॉफ़ी। मेरे पास है जी ये टीम हॉटन्स की कॉफ़ी, ठीक है यार, इसका टेस्ट लिट है। दूसरी बात ये कि मुझे जो पसंद है वो तो नेस्कैफे की ही पसंद है, लेकिन जब आपको फ्री के अंदर ब्रांडेड कॉफ़ी मिल रही हो, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप नेस्कैफे के साथ जाओ। बात तो सही है तो ये आप पी की ननन लेके आई थी कनाडा से, तो हम फिर इसको पी रहे हैं। सो यह टेस्टी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। आप तो इसका आउटलेट पाकिस्तान में भी है, तो ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। मेरी तरफ से तो उसको 10 में से 10। मीनवाइल ये दूध मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए, तो मेरा दूध गर्म हो जाए तो फिर हम इसके अंदर अपनी कॉफ़ी को जब तक बीट कर लेते हैं, वो जितनी बीट होती है वो होती है, उसके बाद फिर हम इसको पी लेंगे। यमी यमी यमी। या हेयर वी गो, ये रही जी हमारी कॉफ़ी, ये हो चुकी है अपन के रेडी। तो अब देखते हैं कि दूसरा मग कौन पीता है। ये तो मेरा मग, अब ये देखते हैं ये कौन पीता है। अब इसके कलर पे ना जाना, क्योंकि ये जो कैपेचिनो क्रीमिश वनीला फ्लेवर है वो इस तरह का ही होता है। तो ये मत कहना कि कॉफ़ी लाइट है, कॉफ़ी डार्क ही है, इट्स जस्ट के उसका जो फ्लेवर है ना वो वनीला है। तो चलो देखते हैं कैसी बनी है, और टेस्ट करवाते हैं किसी को। चलो, अब दफा शर्त तय करेगा। चलो, हाँ जी, कैसे? हाँ जी, अब इसको फोल्ड कर दो इस साइड को, ए ऐसे है ना, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे, और फिर इसको ऐसे, ताकि ये जगह कम घेरे। ओके, वेरी गुड हुज़ैफ़ा, इज़ अ गुड बॉय। चलो बाकी वो खाला कर लेती हैं। ओके, ये इतने सारे कपड़े तय करने, आपको भी दूँ? चलो आप ये छोटे भैया का ये वाला करो, रुको मैं बताती हूँ कैसे करना है। हाथ गंदे आप नहीं करो, आप नहीं करो, आप गंदे हाथों वाली हो। चलो फिर जल्दी जल्दी करते हैं अब हम। तो हुज़ैफ़ा सीख रहा है कपड़े, हाँ जी ऐसे, कहता है मैं भी कपड़े तय लगाऊंगा। वाह, चलो अब दूसरी उठाओ, पेंट नीचे रखो इसको, मेरी है। कोई बात नहीं, चलो इक्वल करो। चलो छोटे मजदूर, एक मिनट पहले हुज़ैफ़ा कर ले। हुज़ैफ़ा नहीं पकड़ी जा रही, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ इक्वल करो दोनों को, हाँ इक्वल करो, हाँ लाइक दिस। मतलब हमारे पास आईफोन नहीं है, लेकिन इन बच्चों के पास आईफोन है। ये फायदा होता है जब आप पास ना कनाडा की ना नेशनैलिटी होती है। सो यस, बाय द वे हर नेम इज़ मरियम, और ये कनाडा से आई हुई थी। मतलब इनके पास आईफोन है यार, और हम गरीब। हे मरियम, ओके भाई, फुली एटीट्यूड, ये ज़्यादा किसी से बात ही नहीं करती, घुलती मिलती नहीं है भाई। आज हम इधर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे देखो जी, मिस्टर हमदान साहब सो रहे हैं और उठ रहे हैं। हमदान, आर यू स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग, छोटे हमदान, छोटे हमदान। कोको मेलन खुदकुशी कर लेगा मुझे सुनने के बाद। तो हमदान सर यहाँ पे सोए हुए हैं, और बस यही कुछ चल रहा है। मुन्ना साहब आप स्कूल से पढ़ के आए हैं। हमदान, इरिटेशन हो रही मेरे गुड्डे को, कोई डिस्टर्ब नहीं करो इसको, इसको ऐसे करवट पे सोने की इतनी आदत पड़ गई है, ये ऐसे ही सोता है। चलो इसको सुला देते हैं और हम फिर अपने काम निबेड़ लेते हैं बाकी। ओके,
ओके तो सीन ऐसा है कि आज है हमारा यहाँ पे आखिरी दिन। उमना हुज़ैफ़ा इधर आओ, उमना हुज़ैफ़ा इधर आओ, ये उमना हुज़ैफ़ा से मिल लो। इसके बाद उमना हुज़ैफ़ा इस कैमरे में नज़र नहीं आएंगे, बहुत दिनों बाद नज़र आएंगे जब ये उधर आएंगे। अभी हम हमदान को लेके बैठे हुए हैं, हमदान आज दुखी दुखी से आया, हमदान की चिड़िया उड़ गई है तो इसलिए हमदान दुखी है। जब हमदान में डबादना रोता है और फिर सो जाता है, फिर रोता है, फिर सो जाता है। अभी देखो अभी ये सो रहा है, अभी उठ गया है, मतलब ये ऐसे ही कर रहा है, बेचारे के दर्द हो रही। कोई बात नहीं मेरे गुड्डे, कोई बात नहीं, लेकिन इसको नहीं पता कि खाला जा रही है, ये भी दुख है। ओके इट्स टाइम टू से बाय बाय टू मिस्टर हमदान। हमदान हम जा रहे हैं अपने घर। नोरी अक्षर गजब बेइज्जती है, हम देखते हैं बच्चों का क्या रिएक्शन आता है ना। हम जा रहे हैं अपने घर। ये क्या खुशी से नाची है कि दुख से नाची है? साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। ज़ैफ़ा ओके बाय, सी यू ज़ैफ़ा। आ रही है खाला, पड़ा रहा वहीं पे, छोटा सा बीता है मेरा। ओके इट्स टाइम टू गो बैक। जब पीर महल गई थी और जब पीर महल से फैसलाबाद गई थी सैम की शादी के लिए, मैं इसमें बैठी थी। ओके सो वी आर गोइंग बैक, और हम बैठ चुके हैं डाइवो में, अब चलते हैं और घर। रास्ते में कुछ नहीं दिखाते, आपसे सीधा घर जाके मिलते हैं। ओके सो लेट्स गो, टाइम टू से गुड बाय टू सरगोदा, से बाय बाय, बाय बाय टू सरगोदा। दरिया कोई बात नहीं, दरिया इज ड्राई। आधा गीला था आधा सूखा है, एंड आधे पे खेत है, हरियाली कम से है।